पिछले आप अगर दो दो साल का एक एक साल का चार्ट देखिए, 4x 5x हो चुके हैं, चार चार पाँच पाँच गुना, और अभी भी आज भी आप देखिए तो बढ़िया मस्त रैली इसमें बनी हुई है। ऐसा कोई स्टॉक आपकी नज़र में है अभी ढूंढा हो जो आपने जहां 10 12 15 साल का ब्रेकआउट बन रहा हो, या सब में बन चुका है, ऐसा कोई ढूंढा आपने? नहीं, नीरज जी, ऐसे तो अभी बहुत S&P 500 में तकरीबन 50% यूनिवर्स ऐसा है जो अभी तक इंडेक्स जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लास्ट 12 18 महीने में, तो वो तो धीमे धीमे वो सारे सेटअप बनेंगे। बट थॉट यही है कि क्या यहाँ से इंडेक्स एक नया ब्रेकआउट कर पाएगा, वो बड़ा मुश्किल सवाल है जवाब देना इवन ईयर में कि इंडेक्स क्या यहाँ से अभी नया सरवेन एक जी, ब्रेकआउट सरवेन जी करेगा रुको एक मिनट। इंडेक्स इंडेक्स के आउट परफॉर्मेंस से PFC का आउट परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना नहीं है, मैं उसी पे आ रहा था कि ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे बट फिलहाल नहीं है मेरे पास। जब तक मैं इंडेक्स पे क्लैरिटी नहीं ले पाऊंगा तब तक मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले कॉल नहीं करूंगा। जी अच्छा, एक और ऐसा स्टॉक है उस पर भी बहुत लोगों के सवाल, इसलिए पूछ रहा हूँ। IFCI जी रोज स्टॉक में सर्किट लग रहे हैं, सर्किट जी वाले स्टॉक में चार्ट में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अपनी पोजीशन लेकर मेरा सवाल भेजते रहते हैं। 58 रुपये का हो गया है, 7 दिनों में 84%, जी ऐसी बिकट रैली चल रही है IFCI में। चार्ट तो कुछ जी बन रहा है क्या पैटर्न? यहाँ भी 12 15 साल का ब्रेकआउट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ देखिए 2012 13 के बाद के सारे लेवल्स इसमें निकले हैं, और अब तो अगर आप देखेंगे तो 2012 14 के सारे लेवल्स निकल के 10 1 साल की हाईस तो यहाँ लगनी शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि उन कैटेगरीज के स्टॉक आएंगे, पेनी स्टॉक्स रहे हैं कभी किसी जमाने में, अब आई थिंक ये जो ब्रेकआउट्स हुए हैं और सर्किट टू सर्किट चल रहा है तो एज यू सेड कि भाई थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे चीजों पे ट्रेड लेना। बट थॉट वही कि जिनके पास है वो बने रहे, और बाकी लोग तो अब अगर किसी को लेना है तो थोड़ी गिरावट की वेट करनी पड़ेगी, यहाँ से तो आप नई एंट्री नहीं ले पाएंगे। बट लग तो रहा है कि डेकेडल ब्रेकआउट्स हैं, 10 साल के नए हाई लेवल्स बने हैं, तो अब आप इसको डाउट नहीं करेंगे एज अ टेक्निकल, इतना बड़ा प्राइस एक्शन है तो आप इसको डाउट नहीं करेंगे। बट ये कैवियट यहाँ दे दूं कि 10 पेनी स्टॉक्स में से IFCI है वो एक दो स्टॉक्स में है जो ये कर पा रहा है, बट अगर आपके पास और ऐसे 10 की बास्केट है तो 8 नहीं चलेंगे, 2 ही चलेंगे, और IFCI उनमें से एक नाम है। तो बड़ा संभल के इन सब स्टॉक्स को ट्रेड करना होता है पेनी स्टॉक्स को। IFCI एक विरोधाभास है और उन एक दो स्टॉक्स में जो चलेगा। तो अब देखिए इसमें करेक्शन आएंगे, अगर 44 की तरफ 44 45 की तरफ करेक्शन आते हैं किन्हीं कारणों से, तब मैं डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा नए समीकरण बिठाने के लिए। बट फिलहाल जिनके पास है वो बने रहे और 44 रुपीज के नीचे एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा के जरूर रखें। तो जब तक 44 नहीं आता तब तक सर्वेन जी इसमें कोई एक्शन इनिशिएट नहीं करेंगे। IFCI में आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत तूफान जो चल रहा है इसमें रिस्क भी हो सकता है उतना ही बड़ा। अगला सवाल लेते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा से, हमारे साथ सायक मिश्रा।